हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल शक्ति रावत ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कर रखी है प्लाजो की कटिंग, जो मैं आपको सिलना बताने वाली हूँ कि प्लाजो किस तरीके से सिलते हैं। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ और आज हम करेंगे प्लाजो की सिलाई। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने प्लाजो ले लिया है, मैंने उसकी कटिंग कर रखी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर रखी है, मैंने प्लाजो की कटिंग कर रखी है, इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और अब मैं इसको जोड़ना बताऊंगी कि इसको किस तरीके से जोड़ते हैं। ये हमारा नेपर है और ये हमारी पूरी लेंथ है, प्लाजो की पूरी लेंथ है। तो अब मैं इसको जोड़ना बताऊंगी किस तरीके से जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जोड़ लेंगे दोनों साइड के नेफे इस तरीके से। ये हमारा एक साइड का नेफा ये है जो हमने डबल फोल्ड, देखो इस तरीके से दोनों नेफे हमारे एक साइड का हमने ऐसे करके जोड़ना है इसको, और दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से जोड़ देंगे इसको। दूसरा वाला भाग भी हम इसी तरीके से जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे हम। पहले सबसे आसान होता है फ्रेंड्स प्लाजो बनाना, जो कि इसमें बहुत ही कम सिलाई लगती है और बनने के बाद बहुत अच्छा भी लगता है। इसकी सिलाई जल्दी हो जाती है, टाइम भी नहीं लगता इसमें। फ्रेंड्स देखते रहिए। फ्रेंड्स मैंने प्लाजो जोड़ दिया है, उसके नेफे नेफे जोड़ लिए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने जोड़ दिया है, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये मेरा एक साइड का नेफा ये है और एक साइड का नेफा मेरा ये है। इस तरीके से मेरा प्लाजो बन के आएगा। फ्रेंड्स अभी दिखने में लग रहा है कि ये एक थैले टाइप का बन गया ये, तो अब मैं इसकी शेप दूँगी तो आपको लग जाएगा कि प्लाजो किस तरीके से बन रखा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आप मैंने प्लाजो किस तरीके से बनाए, ये इसकी शेप है। अभी मैंने इस पर सिलाई नहीं लगा रखी, अभी मैंने सिर्फ उसके नेफे जोड़ रखे हैं जो मैंने अभी बताया था। तो मैंने दोनों भागों में इसको अलग अलग कर दिया है। ये हमारा एक पल्लू है, एक पल्लू हमारा ये है। तो इस तरीके से हमारा ये प्लाजो बन जाएगा। और हम करेंगे इसके नीचे वाले भाग को, इसको फोल्ड करेंगे हम नीचे से, यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, लेंथ के हिसाब से ऊपर से लेंथ नापनी है, फिर हम इसको फोल्ड करेंगे, फिर हम इस साइड से इसकी फिटिंग दे देंगे। इस साइड से हम इसकी पूरी फिटिंग दे देंगे। और आप चाहो तो यहाँ पे म्यानी भी लगा सकते हैं, बट हमने नेफा वैसे ही ज़्यादा रखा है तो मैं इसमें म्यानी नहीं लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ से इसको जोड़ती चली जाऊंगी। और लास्ट में फ्रेंड्स हम लगाएंगे यहाँ पे ऊपर, यहाँ लगेगी हमारी लास्टिक ऊपर वाली साइड। मैं भी आपको बताऊँगी सिलाई करते समय कि लास्टिक किस तरीके से लगती है। फिलहाल तो फ्रेंड्स अभी हम इस साइड को, इस वाले पल्लों को, इन पल्लों को मोड़ देंगे, लेंथ के हिसाब से हम इसको मोड़ देंगे नीचे से। फ्रेंड्स ये हमारा नीचे वाला भाग है, तो अब हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे उल्टी वाली साइड से, जहाँ मैंने निशान लगा रखा है इस तरीके से। अब मैं इसको इस तरीके से इसको फोल्ड करूँगी और सिलाई लगा दूँगी लेंथ के हिसाब से। जैसी आपकी लेंथ है उसी हिसाब से इसको फोल्ड करना है। वैसे कटिंग के समय इसको एक्स्ट्रा रख देना चाहिए, दो इंच बढ़ा के रख देना चाहिए कि हमारे ये दो इंच फोल्ड में आ जाए इस तरीके से। अब मैं यहाँ से इसकी सिलाई लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने जोड़ लिए अपने दोनों पल्लू, नीचे से फोल्ड कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड कर दिया है, एक पल्लू मेरा ये रहा और एक पल्लू मेरा ये वाला साइड रहा। इस तरीके से मैंने दोनों को फोल्ड कर दिया, आप देख सकते हैं। यानी डेढ़ इंच मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, दिख रहा है इतना कि फोल्ड कर रखा मैंने, अंदर का आधा इंच अंदर जा रखा। तो दो इंच में जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था तो वो हमारा इसलिए फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये फोल्ड हो गया। आप चाहो तो इसको बारीक भी कर सकते हैं, चौड़ा ना चाहिए आपको तो बारीक भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको चौड़ा कर रखा है। तो इस तरीके से इसकी सिलाई होगी। अब हम दे देंगे इसकी फिटिंग, जो हमारे प्लाजो की फिटिंग होगी है इस तरीके से। ये हमारा सलवार का बन गया जिसमें हम पैर डालेंगे, इस तरीके से ये हमारा सलवार प्लाजो बन जाएगी। और अब हम यहाँ से फिटिंग दे देंगे इस वाले नोक से, यहाँ से हम पूरी फिटिंग दे देंगे एक सिलाई लगा के। आधा आधा इंच मार्जिन देखिए, आधा इंच हम छोड़ेंगे इस साइड को और हम सिलाई लगाते जाएंगे। आप चाहो तो चौक से निशान भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसको पूरी फिटिंग दे दी है, आप देख सकते हैं मैंने इसकी फिटिंग दे दी है, इस तरीके से दी है इस वाले नोक से। और मैंने इस वाले नोक भी इसको जाके ख़त्म करा है। ये हमारे दोनों सलवार के पल्लू बन गए हैं, ये हमारे पोछे हैं। देखो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने इनको बना दिया है, आप देख सकते हैं प्लाजो की शेप किस तरीके से आ रखी है।
देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारी प्लाजो की शेप आ रही है। ये हमारा प्लाजो बन गया है, इस तरीके से हमारा प्लाजो बन गया। अब रह गया हमारा ऊपर नेफा। नेफा हमने इलास्टिक लगाना है, तो किस तरीके से हम इलास्टिक लगाएंगे देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लगाएंगे इलास्टिक, और इलास्टिक लगाने का तरीका फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ हमने नेफा जो फ्रंट वाला भाग है हमारा, वहाँ जहाँ से हमने सिलाई शुरू कर रखी है, हम उसकी सिलाई थोड़ा सा आधा, जहाँ से हमने 2.5 इंच का मार्जिन दे रखा था, 2.5 इंच हमने बेल्ट के लिए छोड़ रखा था, वहाँ तक हम इस सिलाई को उधेड़ देंगे, यहाँ तक हम इस सिलाई को उधेड़ देंगे, तो यहाँ से हमारा इलास्टिक लगना शुरू हो जाएगा और यहीं पर जाके ख़त्म होगा। तो इसको हम उधेड़ देंगे, ये सिलाई थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, बाद में हम इसके ऊपर फिर से सिलाई लगा देंगे। मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया यहाँ पे इलास्टिक। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 1.5 इंच का इलास्टिक है। आप चाहो तो बारीक भी लगा सकते हैं और आप चाहो तो चौड़ा भी लगा सकते हैं, बट मैं इसी वाले को यूज़ करती हूँ। अब मैं इसको लगाने का तरीका आपको बताती हूँ कि किस तरीके से लगाते हैं। अगर आप फ्रेंड्स बारीक वाला इलास्टिक यूज़ करते हो तो उसमें हम लंबाई के हिसाब से ही उसको यूज़ करेंगे, उसी हिसाब से हम प्लाजो की लंबाई रखेंगे कि जितना हमारा इलास्टिक मतलब चौड़ा ना हो, तो लंबाई उसी हिसाब से रखनी है आपने कि किस तरीके से हमारी लेंथ पूरी आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने 2.5 इंच का मार्जिन दे रखा है। अगर आपको लेंथ उस हिसाब से चाहिए इलास्टिक के हिसाब से, तो आप 2.5 इंच का मार्जिन ना दे के तो 1 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन दे सकते हैं बेल्ट के लिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको भी उधेड़ दिया है हल्का सा, जहाँ से मैंने 2.5 इंच का मार्जिन दे रखा था यहाँ से मैंने इसको उधेड़ दिया है। यहाँ से मैं इलास्टिक लगाना शुरू करूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं लगा रही हूँ इलास्टिक। तो इलास्टिक किस तरीके से लगाते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा इलास्टिक है और हम इसको लगाएंगे इस तरीके से। 1/2 इंच कपड़ा हम इलास्टिक के साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम जोड़ेंगे इलास्टिक और कपड़े को। इस तरीके से मैंने जोड़ दिया। अब फ्रेंड्स, हम जब इसको लगाएंगे तो हम जितना हमारा ये इलास्टिक है, हम इसको खींच के लगाएंगे। इलास्टिक को हमने खींचने हैं और कपड़े को हमने खींचना नहीं है। इस तरीके से बिठा के जाएंगे इसको, इलास्टिक को इस तरीके से खींच के जाएंगे। अगर हम ऐसे ही लगाएंगे तो कोई शेप नहीं आएगी, सलवार ढीली हो जाएगी तुम्हारी, जो हमारा प्लाजो है वो ढीला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इलास्टिक को खींचेंगे और इसको इस तरीके से दबाते जाएंगे, जैसे हमने आगे बताया था आपको, इस तरीके से हमें दबाते जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं दिखा सकती हूँ आपको कि किस तरीके से मैंने इसको जोड़ा है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाई है, देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा कपड़े में जो चुन्नटें बन के आई, इस तरीके से हमारी चुन्नटें बन के आएगी इसमें, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। तो हम इसको ऐसे ही खींच के जाएंगे, इलास्टिक को और कपड़े को नहीं खींचेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इलास्टिक लगा ली है, ऊपर वाली साइड से मैंने इलास्टिक लगाई है। इस तरीके से मैंने आधा बुकरम छोड़ रखा है और इस तरीके से आधा आधा इंच मैंने कपड़ा ले रखा है उसके साथ, तो मैंने पूरा जोड़ दिया है। देखिए इस तरीके से, इसमें देखो किस तरीके की चुन्नटें आ रखी है। कपड़ा खींचोगे तो चुन्नटें नहीं आएंगी, और कपड़ा ऐसे ही रखोगे, इलास्टिक खींचोगे तो चुन्नटें बन के आएंगी। इस तरीके से हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। अब हम फ्रेंड्स इसको मोड़ेंगे किस तरीके से, अब हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे तो हमारी ये पूरी फिनिशिंग, जो हमारा इलास्टिक है वो अंदर चला जाएगा, वो दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारे 2.5 इंच का मार्जिन हमने इसलिए दे रखा है कि हमें इतना इसको फोल्ड भी करना है, और 1.5 इंच हमारे ये दबने में नहीं, 2.5 इंच हमारा पूरा दबने में आ जाता है इस तरीके से। तो हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पहले करा था, खींच के हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको खींचेंगे फिर सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसको खींच खींच के हम इसकी सिलाई लगाएंगे, हमारी पूरी सिलाई आ जाएगी। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से अगर सलवार में इलास्टिक अटैच करेंगे तो बहुत फिनिशिंग भी आएगी और आसानी भी होगी। हर किसी का अलग तरीका होता है इलास्टिक लगाने का,
एंड ऐसे में फिनिशिंग भी अच्छी आती है और जल्दी से हमारा इलास्टिक लग भी जाता है। क्योंकि कपड़ों में झोल आता है तो हमारा जो अगर हम पूरा नेफा बंद करके लगाएंगे अगर झोल आ गया तो फिर उसमें फिनिशिंग नहीं दिखती है, इसमें अगर हमारा झोल भी आ गया तो हमारा झोल इधर ही ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से हमारे यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरा लगा दिया है इलास्टिक और ये हमारा जो नोक खुल रखी थी तो अब हम इसको इस तरीके से हम इसको जोड़ देंगे, जो हमारा नेफा था अब हम इसको जोड़ देंगे और इस तरीके से हमारी ये कमर आ जाएगी, इस तरीके से ये कमर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि फिनिशिंग काफ़ी है, पूरी फिनिशिंग के साथ हमने इलास्टिक लगा दिया है और आसानी से भी लगा दिया है। तो अब हम इस वाले साइड को भी जोड़ देंगे अपने नेफे के साथ। फ्रेंड्स अब मैंने कर दिया है पूरा प्लाजो कंप्लीट और आप देख सकते हैं मैंने प्लाजो को किस तरीके से बनाए हैं। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने प्लाजो बना दिया है, पूरा प्लाजो मेरा फिनिशिंग के साथ बन रखा है। देखिए फ्रेंड्स कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है और हमारा प्लाजो जल्दी कंप्लीट भी हो गया है। देखिए फ्रेंड्स ये है, देखो ये हमारा नेफा है। सबसे पहले हमने नेफे को जोड़ा, फिर हमने अपने जो पोंछे हैं उनको फोल्ड कर दिया है, ये हमने पोंछे फोल्ड करे, उसके बाद हमने फिनिशिंग दे दी उसकी, जो हमारी फिटिंग थी वो हमने फिटिंग दे दी है और लास्ट में हमने लगाया इलास्टिक, जो आप देख सकते हो हमने किस तरीके से इलास्टिक लगाया है पूरी फिनिशिंग के साथ। आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा प्लाजो कम्प्लीट हो गया है। ये फ्रेंड्स इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ और आज को अगर आपको आज की वीडियो मेरे ज़रा से भी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। इसी के साथ ही फ्रेंड्स बाय, टेक केयर।